सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। आज दिवाली और रमजान की बात अखिलेश यादव कर सकते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने अपने समय काल में उत्तर प्रदेश के अंदर वो शरिया कोर्ट बंद कर दिए होते तो वहां की औरतों को ये अन्याय नहीं हुआ होता। और वो अन्याय का जो सबसे मुख्य कारण है वो शरिया अदालतें हैं जो इनके समय में चलती रही। मुख्यमंत्री थे ये, किस तरह के मुख्यमंत्री थे जो कि मुसलमान औरतों के हकों को नहीं बचा सकते। प्लीज प्लीज अध्यक्ष जी, अखिलेश जी बैठिए, आप प्लीज बैठिए बैठे बोलिए। अध्यक्ष जी व्हेन योर टर्न कम्स एंड ओनली अध्यक्ष जी, नॉट नाउ, नॉट अध्यक्ष जी, इन्होंने आप बैठिए, शी इज नॉट यील्डिंग। आपका जो अवसर आएगा तब आप बोलिएगा, अभी मत बोल रहा है, आपका अवसर दिया जाए। अध्यक्ष जी आप प्लीज, अध्यक्ष जी शी इज नॉट यील्डिंग, शी इज नॉट यील्डिंग, शी इज नॉट यील्डिंग। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, निकाह ना रहा मजाक बन गया, निकाह ना रहा मजाक बन गया, तलाक 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 और तलाक हो गया। कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने कहा और खत्म। एक बेबस औरत बच्चों के साथ रात में घर से बाहर, और एक औरत क्या बीवी होती है? क्या सिर्फ बीवी होती है? उसके कोई माँ बाप नहीं है, उसका कोई परिवार नहीं है, वो किसी की बेटी नहीं है, वो किसी की बहन नहीं है, वो किसी की माँ नहीं है। और जो लोग धर्म के नाम पर साक्षी देना चाहते हैं, मैं उनको बताना चाहती हूं कि ये जो कानून है ये अंधा है धर्म के प्रति। महिलाओं के न्याय के बारे में बात कर रही हैं तो ठीक है, आप अपने समय पर आप जरूर बोलिए अपने समय पर। अध्यक्ष जी आपको समय मिलेगा बोलिए, लेकिन बीच में अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी अच्छा संदेश नहीं जा रहा है, अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। बैठिए केवल मीनाक्षी जी, नॉट अध्यक्ष जी बैठिए। अरे आप बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, प्लीज बैठ जाइए। जब अवसर दिया जाएगा तो बोलेंगे वो, आप उनको आप बैठ जाइए, आप मिल जाएगी, आप बोलिए खाली।